जय भवानी, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर काफ़ी स्पेशल होगी। संडे स्पेशल में कुछ अपडेट जानेंगे, लेटेस्ट क्या है, कौन सी भर्ती आ रही है, कौन सा परीक्षा कब तक हो सकती है, कब तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है, इन तमाम तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है, और अगले हफ्ते क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, किस आयोग से मिल सकती है, इन तमाम तरह की खबरों पर चर्चा की जाएगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, जो रोज़ सुबह आप देखते हैं बड़ी खबर। इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके और तैयारी को धार दे सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जब भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले आज के समाचार पत्रों के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों पर छात्रों के लिए, उसके बाद कुछ और खबरों पर चर्चा की जाएगी जो टीचर्स में दिख रही हैं। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह देरी हो सकती है। इससे स्पष्ट हो गया कि परीक्षा अगस्त में होती, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से, कुछ जगहों में बाढ़ की स्थिति की वजह से जो ये निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कि परीक्षा जो है सेप्टेम्बर माह में कराई जाएगी। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल, अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी में हुई, जिसका पेपर लीक होने की वजह से 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा आयोजित करने की कवायद में जुटे थे। इस प्रकार की खबरें आपको पहले भी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बताई गई थी कि परीक्षा टेंटेटिव आपकी सेप्टेम्बर माह में ही हो सकती है। वीडियो चैनल पर पड़ी, अगर नहीं यकीन तो अच्छी वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ और चलते हैं बीपीएससी की तरफ। TRE3 की जो परीक्षा हुई है, खबरों की माने तो ऑप्शन क्लोज होने से जो है परेशान दिखे अभ्यर्थी, कट ऑफ मार्क्स रहेगा कम। बात हो रही बीपीएससी TRE3 की परीक्षा जो होती प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शनिवार को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शन क्लोज होने से काफ़ी परेशान दिखे। अधिकतर प्रश्न अवधारणा आधारित है। क्लोज का मतलब यहाँ पर विंडो क्लोज होने के लिए, क्लोज मतलब प्रश्नों का क्लोज होना, काफ़ी नियरेस्ट आंसर थे, इसलिए विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही थी कौन से ऑप्शन को टिक करें। चयन मुश्किल हो रहा था उत्तरों का। प्रश्नों का स्तर पहले के 2 चरणों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से मिलता जुलता ही था, लेकिन फंसाने वाले विकल्पों के कारण इस बार अलग अलग आरक्षित श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स TI1 और TRI2 से कम रहने की संभावना है। प्रदेश के 27 के जिलों में 312 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र के एक ही मूल सेट का इस्तेमाल किया गया जो ब्लू कलर कोड वाला था। आज जो होगी 288 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रदेश के 27 जिलों के 288 केंद्रों पर रविवार को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 परीक्षा होगी। इसमें 1,45,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। साथ ही साथ ही SC ST कल्याण विभाग की 6ठी और 10वीं वर्ग की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषय की भी परीक्षा ली जाएगी। तो कुल मिला के जो परीक्षा के पेपर का स्तर था वो स्तर ज़्यादा न कठिन न ज़्यादा सरल था, बस ये था कि नियरेस्ट था जो क्लोज स्टडी किए होंगे यानी कि बहुत गहन अध्ययन किए होंगे उनसे जो है प्रश्न बहुत इजी तौर पे टैकल हुए होंगे और ऑप्शन सही वो टिक किए होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, चलते हैं UP SSC बात कर लेते हैं, वहाँ की लेटेस्ट अपडेट क्या चली और अगले हफ्ते कौन सी नोटिस देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज है संडे। तो UP SSC से जो है परीक्षा को लेकर के जो तैयारी चल रही है, जो कि परीक्षाएं एक्चुअली पेट से जो फार्म पड़े हुए हैं उनकी परीक्षाओं को भी कराना है UP SSC को समय रहते हैं। तो इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि UP SSC के द्वारा परीक्षा का आयोजन अक्टूबर के बाद यानी कि 15 अक्टूबर के बाद ही परीक्षा का आयोजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद बैक टू बैक जो है परीक्षाएँ कराएगा। UP SSC तो जो भी फार्म अप्लाई किए हैं उनको अभी 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, उसके बाद ही शेड्यूल जारी होगा UP SSC से परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर के। अगले हफ्ते के संदर्भ में बता दें UP SSC से नोटिस जो देखने को मिल सकती है, वो नोटिस पहले भी आ गई थी, लेकिन UP SSC कार्यप्रणाली में डेट लतीफी देखने को हर वक्त मिलती है। ITI इंस्ट्रक्टर को लेकर के नोटिस जो अगले हफ्ते जारी हो जाएगी, पूरी जानकारी ऑथेंटिक है, इसलिए जो ITI इंस्ट्रक्टर वालों का इंतजार जो है इस हफ्ते खत्म होने को है, उनकी नोटिस उसके संदर्भ में जो है जारी UP SSC कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर में बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के फार्म को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस फार्म को आने में अभी विलंब थोड़ा सा होगा, लेकिन ये मिला के चलिए, मान के चलिए कि परीक्षा को लेकर के इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के फार्म को अप्लाई करने के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है और ये विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब जल्द ही विज्ञप्ति इसकी आएगी। लेकिन सबसे पहले विज्ञप्ति जो देखने को मिलेगी, पहले आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फार्म होगा उससे सितंबर माह जो इम्पॉर्टेंट होगा उसमें विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अब बता दें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सबसे पहले विज्ञप्ति जो जारी होगी वो AE की जारी होगी, ये पूरी संभावना है। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, उसके बाद स्टोनो वगैरह की भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या जूनियर असिस्टेंट में लगभग आपको 500+ पद देखने को मिल सकते हैं और वहीं जो स्टोनो वगैरह पदों में जो है जो पद कम होते हैं, लेकिन 120+ पद जो देखने को मिलेंगे स्टोनो में। बात हो रही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के, इसका विज्ञापन बहुत ही जल्द आपको देखने को
मिल सकता है। ये मान के चलिए कि अगस्त के 10 तारीख के पहले विज्ञप्ति जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, तो इसके लिए भी तैयारी यदि कर रहे हैं तो फार्म आपको जल्द देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं लोअर भर्ती को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, ये विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है UPTPLSC, इसमें आपको बता दें कि लोअर भर्ती को लेकर के अध्याचन UPTPLSC को लगातार मिल रहे हैं। अब इसको लेकर के विज्ञप्ति जारी करनी है UPTPLSC की, लेकिन जो है UPTPLSC की कार्यप्रणाली के आधार पर यह कहा जाता है विज्ञापन जल्द जारी नहीं हो सकता। अभी फिलहाल कम से कम 2 महीने तो UPTPLSC इसमें ले ही लेगा, उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अध्याचन मिल रहे हैं लेकिन पदों की संख्या भी अच्छी खासी होते हुए भी विज्ञप्ति को लेट करना UPTPLSC अच्छी बात नहीं है। जो भी शासन स्तर से इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पे जो है अपडेट आपको दे दिया जाता है। ये प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राथमिकताएं होती हैं भर्ती को लेकर उसी पे UPTPLSC काम करता है, जैसे अभी परिणामों को लेकर के है जिसकी अपडेट आपको कल की वीडियो में दिया गया था, उसके बाद ही विज्ञप्ति देखने को मिलता। अभी लोअर की विज्ञप्ति में थोड़ा सा समय लगेगा। बात कर लेते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, वो विज्ञप्ति देखने को मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक विज्ञप्ति जारी होगी। सबसे पहले विज्ञप्ति जो आएगी वो एक विज्ञापन जो है वो जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद जो है LT वगैरह की जो अपडेट होगी वो बाद में उसकी चर्चा की जाएगी। अभी काल फिर की जानकारी यही है कि एक का विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, मिलते हैं अगली बड़ी खबर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी प्रतियोगी छात्र के हित होंगी, तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले देखने को मिले, चाहे वो UPTPLSC शिक्षा सेवा चैनल उत्तर प्रदेश लोक सेवा UPPCL किसी भी आयोग की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल।